गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कक्षा दो। आज हम हिंदी का पाठ छः रास की बात, ये एक कहानी है, ये हम पढ़ेंगे। ये कहानी विश्वास पर आधारित है बच्चों। जैसे हम किसी दूसरे पर विश्वास करते हैं, कोई और दूसरा हमारे ऊपर विश्वास करता है, तो हमको किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये एक विश्वास पर आधारित कहानी है, ठीक है बच्चों। जैसे हम दोस्त एक दूसरे पर विश्वास करते, तो हमको कभी भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हमारी दोस्ती का आधार ही विश्वास रहता है। हमको हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, कभी हमको दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस पर ये कहानी आधारित है। इस कहानी में एक हाथी है बच्चों, जो जिसका नाम ऐरावत है, ठीक है। और ऐरावत जो है वो राजा इंद्र भगवान होते हैं ना, उनका ये वाहन है। जैसे बच्चों गणेश जी का वाहन चूहा होता है, शिव जी का वाहन नंदी होता है, कार्तिकेय का वाहन मोर होता है, तो ऐसे ही भगवान इंद्र का वाहन है हाथी। और इस हाथी का नाम है ऐरावत, ठीक है। तो ये ऐरावत की एक कहानी है और ये विश्वास पर है। उसका विश्वास किस तरह से टूटता है और विश्वास के बाद में वो कैसे नुकसान होता है, इस पर ये कहानी है। यह पाठ विश्वसनीय होने का संदेश देता है। विश्वसनीय ने एक दूसरे पर हमको विश्वास करना चाहिए, इसका संदेश देता है। इसमें लेखक जो है इसके द्वारा ये समझा रहे हैं, कि कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हम पर जो भरोसा करते करे, हमें उनके भरोसे का पर खरा उतरना चाहिए, उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका परिणाम यानी इसका रिजल्ट हमें ही भुगतना पड़ता है। अगर हम किसी दूसरे का विश्वास तोड़ते हैं तो उसका नुकसान हमको ही होता है। किसान ने ऐरावत हाथी का विश्वास तोड़ा और स्वयं धोखा खा गया। इसी तरह इस कहानी में एक किसान है जो ऐरावत हाथी का कैसे विश्वास तोड़ता है और उसको कैसे धोखा मिलता है और वो स्वयं ही कैसे नुकसान में होता है, ये इस कहानी में पढ़ते हैं। देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत था। उसका रंग दूध जैसा सफेद था। देवताओं के जो राजा है इंद्र, देवताओं के भी राजा होते हैं, और देवता के राजा है इंद्र। इंद्र के हाथी का नाम क्या था? ऐरावत। और वो कैसे रंग का था? रंग दूध जैसा सफेद, एकदम वाइट, एकदम सफेद हाथी था। ऐरावत काफी खुश दिल था, वो खूब खुश था। खुश दिल वाला मतलब एकदम हसमुख हाथी था। और घूमने का बड़ा शौकीन था। जो ऐरावत था वो घूमने का बड़ा शौकीन था, उसको घूमने का खूब शौक था, खुश भी था और घूमने का बड़ा शौकीन था। एक दिन ऐरावत धरती पर आया। एक दिन जो ऐरावत था, राजा इंद्र का हाथी था, वो तो आसमान में रहते ना, लेकिन एक दिन वो धरती पर घूमने आया, धरती यानी जमीन पर हमारे, और घूम घूम कर धरती की सुंदरता को देखने लगा। घूम घूम कर वो धरती की सुंदरता को देखने लगा। अचानक उसे ईख के खेत दिखाई दिए। ईख जानते हो बच्चों, ईख क्या होती है? ईख यानी गन्ना, हम लोग गन्ना खाते हैं ना, ईख उसको कहते हैं, ठीक है। गन्ने का रस पीते हो ना आप लोग, उसको कहते हैं ईख। तो उसको एक ईख का खेत दिखाई दिया और वह ईख खाने लगा। और वह जो हाथी था वो ईख खाने लगा, ठीक है। उसे ईख का रस काफ़ी मीठा लगा। ईख तो गन्ना बहुत मीठा होता है ना, तो ईख का रस उसे बड़ा मीठा लगा। ऐरावत ने ढेर सारी ईख खाई, और जो ऐरावत था उसने ढेर सारी ईख खाई, खूब सारी ईख खाई। अब ऐरावत खुश होकर अपनी दुनिया में चला गया।
ऐरावत जो था उसने पहले धरती पर आया और एक खेत में जाकर उसने खूब सारे गन्ने खाए और गन्ने का रस बड़ा मीठा लग रहा था उसको। तो ऐरावत खूब सारे गन्ने खाकर फिर वापस अपनी दुनिया में यानी आसमान में चला गया। सुबह जब किसान अपने खेत में आया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब किसान अपने खेत में वापस आया तो वो जोर जोर से क्या किया, उसने चिल्लाने लगा। क्यों चिल्लाने लगा? उसने देखा कि खेत में बहुत सारी ईख थी। अब बहुत सारी ईख तो कौन खा के गया था? ऐरावत हाथी। तो ऐरावत हाथी जब गन्ने खा के गया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन मेरे खेत से खेत की ईख, कौन मेरे ईख के खेत में आया था। वो कहने लगा कि कौन ऐसा है जो मेरे खेत में आया था और मेरे ईख खा गया। और उसने बोला कि कौन आया था मेरे खेत में ईख खाने के लिए और कौन मेरे खेत की ईख खा के गया। आज रात में इस खेत में छिपकर चोर को पकड़ूंगा। उसने कहा कि कौन आया था मैं देखूं तो सही, आज रात को मैं इस खेत में छिपकर और जो भी आया था उसको मैं पकड़ूंगा। किसान रात को एक मोटा रस्सा लेकर खेत में छिप गया। क्या हुआ, किसान जो था जिसका वो खेत था ना, जिसके खेत में ऐरावत हाथी आकर गन्ने खा के गया था, ईख खा के गया था, तो वो किसान क्या, उसने क्या किया, रात को एक मोटा सा रस्सा, रस्सी रहती है ना मोटी सी, उसको रस्सा कहते हैं, तो एक रस्सा लेकर खेत में छिप गया। रात हुई और ऐरावत आसमान से उतरकर ईख खाने लगा। जब रात हुई तब रात होने पर ऐरावत फिर आया आसमान से उतरकर और उसी खेत में आकर वापस से वो ईख यानी गन्ने खाने लगा और बोला, वाह कितना मीठा रस है। और वापस कहने लगा, क्योंकि पहले भी आया था तो मीठा मीठा रस पिया था ना उसने, तो फिर वो बोलता है, वाह कितना मीठा मीठा रस है इस गन्ने का। किसान ने सुंदर हाथी को देखा। किसान जो खेत में छिपा हुआ था ना, वो किसान उस हाथी को देखा, उसने उस हाथी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। तो एकदम आश्चर्य करने लगा, इतना सुंदर सा बढ़िया सा हाथी देखकर वो आश्चर्य करने लगा। फिर उसने रस्से का फंदा ऐरावत के गले में डाल दिया। फिर क्या किया, वो फंदा जो था, फंदा यानी क्या होता है, जानवर फंसाने के लिए एक रस्सी की गांठ बांध देते हैं, उसको उसमें उसने ऐरावत को ऐरावत के गले में डाल दी। ठीक है, और खुश होकर बोला, और फिर खुश हो गया और फिर बोला, तुम इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो। उसने कहा कि तुम इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो, तुम गन्ने क्यों खाते हो, तुम मेरे ईख को चुरा कर क्यों खाते हो। उसने उस ऐरावत से हाथी से किसान ने पूछा कि तुम मेरे खेत में आकर गन्ने क्यों खाते हो, क्यों इतनी बड़ी गलती हो, मुझसे मांग क्यों नहीं लेते। वो बोलते तुम चुरा कर खा रहे हो तो चुराना तो गंदी बात होती है ना, तो वो कहता है कि तुम मुझसे मांग क्यों नहीं लेते हो, तुम्हें और कुछ खाने को नहीं मिलता। तो किसान उससे कहता है कि तुम मेरे से ये मांग कर क्यों नहीं खा लेते हो, क्या तुम्हें और कुछ खाने को नहीं मिलता है। तो ऐरावत बोला, ईख जैसी मीठी चीज़ नहीं मिलती। वो कहता है कि ईख के जैसी, मतलब गन्ने के जैसी कोई मीठी चीज़ मुझे नहीं मिलती है, सेब मिलते हैं वे भी बहुत बड़े। वो क्या कहता है ऐरावत, हाथी जो है वो क्या कह रहा है कि मुझे ईख जैसी मीठी चीज़ नहीं मिलती, मिलते हैं क्या चीज़ मिलती है उसको, सेब मिलते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं, अंगूर केला और तरबूज भी मिलते हैं पर बड़े, बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, अंगूर मिलता है, केला मिलता है और तरबूज भी मिलता है लेकिन बड़े बड़े मिलते हैं। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। वो कहता है कि मेरी दुनिया जो है वो तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है, मुझे मिलता तो है लेकिन ये सब चीज़ नहीं मिलती जो तुम खा रहे हो, ये गन्ने मुझे नहीं मिलते हैं, मुझे तो क्या मिलता है, अंगूर केला तरबूज सेब ये सब चीज़ मिलती है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी,
और मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। किसान हाथी को देखकर काफ़ी खुश था। किसान जो था वो हाथी को देखकर बहुत खुश था, इसलिए बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। वो हाथी से क्या कहा उसने कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। कहाँ पर? तुम्हारी दुनिया में। वो क्या कहता है, मेरी दुनिया में सब चीज़ अलग मिलती है, तो इसलिए किसान क्या कहता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, इसलिए वो ये बोला कि मैं भी तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ऐरावत ने कहा ठीक है। फिर ऐरावत ने कहा, हाथी ने कहा ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। ऐरावत ने कहा कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा, परंतु किसी को भी ये बात मत बताना, और इसलिए तुम ये बात किसी को भी मत बताना कि तुम मेरे साथ चलने वाले हो, ठीक है।